हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में समझाया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसके नेबरहुड ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है। जैसे ये सेट दिया हुआ है एन, कौन सा ये सेट है? क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। और हमें पॉइंट ए के ए बराबर फोर, यानी पॉइंट फोर का ए सिक्स का हमने नेबरहुड निकाला है। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जिस पर हमें नेबरहुड निकालना है, तो जैसे ए का निकालना है तो डेफिनेशन में एक इंटरवल निकालते हैं ए प्लस डेल्टा और सॉरी ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, और वो किस में होना चाहिए? एन में होना चाहिए, ये डेफिनेशन में बताया था। तो आप देख रहे हो ये मैं एक सेट बना देता हूँ, ये आपका क्या है, क्लोज है ना, तो क्लोज में फाइव और सेवन, सिक्स के निकालना है तो ये ए बराबर सिक्स। तो मैं जो डेल्टा ले रहा हूँ, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो हमें एक इंटरवेल ऐसे मिलेंगे, वो सभी जो इंटरवेल है वो इंटरवेल किस में है? इस एन में, इस क्या है, एन में है। तो ये जो एन है वो ए बराबर सिक्स का क्या बन जाएगा, ये नेबरहुड बन जाएगा। ये जो सेट एन है, एन बराबर फाइव सेवन, ये पॉइंट ए का क्या है, नेबरहुड है। अब एक इस एग्जांपल में देखिए पॉइंट जीरो के लिए, और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में ये क्या होते हैं, ये जो एंड पॉइंट होते हैं ये इंक्लोज नहीं होते हैं। जैसे ये अपने बनाया जीरो, अब मुझे पॉइंट जीरो के लिए देखना है, तो ये जीरो है और ये वन है। अब ये पॉइंट जीरो है और जीरो के मैं यहाँ इंटरवेल लूँ, तो आप क्या देख रहे हो, ये जो इंटरवेल ले रहा हूँ वो इंटरवेल जैसे आई आर है, वो आई क्या है, इस एन में क्या है, नहीं। तो क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, वो किस में आना चाहिए, इंटरवेल इस एन में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये जीरो के इधर वाले जो है इंटरवेल, इस साइड के जो एलिमेंट्स आएंगे या जिससे एंड पॉइंट वाले हैं, वो क्या होंगे, इस एंड में नहीं होंगे। तो ये जो ओपन इंटरवेल है कौन सा, जीरो और वन, ये पॉइंट जो जीरो के लिए जो एन है ओपन इंटरवेल के लिए, ये इसका नेबरहुड नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ये एन ले रहा हूँ, और पॉइंट वन के लिए चेक करना है, पॉइंट वन के लिए चेक करना है और इसका नेबरहुड है या नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, नेबरहुड के लिए आपको पता है दो चीजें जरूरी है, कि ए क्या होना चाहिए, उस आई में होना चाहिए, और सेकंड है और जो आई है वो उस सेट में होना चाहिए, ये दो चीजें जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हो, सीधा ए बिलोंग टू एन तो है, लेकिन इसका जो इंटरवेल आएगा क्या आएगा, वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा, वो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू एन। क्यों नहीं है, जैसे मैंने डेल्टा लिया हाफ, तो हाफ दिया तो ये इंटरवेल क्या आएगा, हाफ और हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का है। तो ये क्या हो रहा है, इंटरवेल इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब जो एन है वो पॉइंट ए बराबर वन का, पॉइंट वन का क्या है, नेबरहुड नहीं हो सकता। इस प्रकार हम अगर सेट है और पॉइंट किसी पॉइंट के लिए हमें नेबरहुड चेक करना है, तो हम इस डेफिनेशन के अनुसार चेक कर सकते हैं। दो चीज़ों की जरूरत है, क्या कि वो ए है जिसका हमें नेबरहुड निकालना है, वो उस इंटरवेल में होना चाहिए, और इंटरवेल है वो खुद क्या होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए, कंटेनिंग सेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।